सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की रीडिंग में आपको मैं सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से सिल्वर एंड ब्लैक टोन इफेक्ट। गाइस अगर आप अपने फोटो के अंदर सिल्वर एंड ब्लैक टोन डालना चाहते हो तो वीडियो को फुल कंप्लीट देखिएगा एंड नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड घंटी का ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलते हैं फोन की स्क्रीन की तरफ एंड वीडियो को जल्दी से करते हैं लेट्स स्टार्ट। आपको लाइटरूम में 48 के बाद यहां पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गाइस टेंपरेचर पे क्लिक करेंगे, टेंपरेचर प्लस 13 एंड इसके बाद थर्ड ऑप्शन पाएंगे वाइब्रेंस को रखते हैं प्लस 8। इतनी हमारी यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मिक्स टूल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम फेस कलर को सेट करेंगे, सबसे पहले ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन को माइनस क्यू लेंगे -21। कलर रिमूव हो चुका है, अब फेस को हम वाइट करने वाले हैं, इसको रखते हैं प्लस 6, आप कितना भी कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको येलो कलर पर क्लिक करना है, इसकी सैचुरेशन -100 एंड इसके बाद ग्रीन, इसके भी सैचुरेशन -100, सभी कलर की सैचुरेशन को -100 करनी है। इतनी सेटिंग होने के बाद आपका फोटो ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे डन पे आपको क्लिक करना है। अब हम फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड गाइस आपको स्लाइड करना है और गाइस हाईलाइट माना है, इसकी वैल्यू रखेंगे 224 एंड इसकी सैचुरेशन रखेंगे +39 एंड इसके बाद लुमिनेंस को रखते हैं +21 एंड इसके बाद ब्लेंडिंग को प्लस की ओर लेंगे +84 एंड इसके बाद लास्ट ऑप्शन बैलेंस, इसको प्लस की ओर लेंगे, इसको भी +44। सो फाइनली गाइस हमारे फोटो के अंदर सिल्वर कलर आ चुका है, इसके बाद डन करना है एंड इसके बाद हम यहाँ पे इफेक्ट वाला एक टूल मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड क्लियरिटी पे क्लिकिंग, क्लियरिटी रखेंगे +8 एंड इसके बाद डीएच की वैल्यू रखेंगे +12 एंड इसके बाद विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। विग्नेट अपने फोटो के हिसाब से माइनस करना, मैं माइनस करता हूँ -58 एंड इसके बाद मिड पॉइंट को माइनस करूंगा -14, जिससे हमारे फोटो के अंदर थोड़ा ब्लैक टोन आ जाए। इसके बाद हम फेदर पाएंगे, फेदर +84 इसको 95 कर लेते हैं। इसके बाद आपको डिटेल वाली टूल पे क्लिक करना है, शार्पनिंग पे क्लिक करेंगे, शार्पनिंग की वैल्यू रखेंगे +11 एंड इसके बाद नॉइज रिडक्शन इसको रखते हैं +27 एंड इसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू रखेंगे +36 एंड इसके बाद हम फोटो के लाइट एडजस्ट करेंगे, लाइट वाले टूल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट +14 एंड इसके बाद शेडो, शेडो को रखते हैं गाइस +34 एंड गाइस इसके बाद आपको आना है ब्लैक वाले ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन ब्लैक -12। सो फाइनली गाइस हमारी ऑलमोस्ट एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप फोटो के रिजल्ट देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, हमारे फोटो पहले कैसे था और अब कैसे हो गए। सो गाइस हमने लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से आपको कितनी आसान तरीके से वो भी कितनी कम टाइम के अंदर सिल्वर एंड ब्लैक टोन बनाना सिखा दे, वो भी बहुत आसान स्टेप के अंदर। गाइस ऐसी एडिटिंग देखने के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है एंड घंटी को ऑल प्रेस कर लेना है ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। तो मिलते फिर कुछ ऑसम से एडिटिंग करते हुए नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड